Hello guys, the topic that we will be discussing now is the popliteal fossa. Okay, the popliteal fossa. Now again, इसको understand करने के लिए look at the lecture for adductors canal. ठीक है, इसका जो contents होगा उसको अच्छे से समझने के लिए आपको adductor canal समझना पड़ेगा. सो आप मेरा adductor canal का lecture देख सकते हो. तो देखिए, मैंने जैसे adductor canal वाले lecture में बताया था कि फीमोरल ट्रायंगल अगर आपको अच्छे से पता है तो आप एडक्टर केनाल अच्छे से बता सकते हो, और अगर आपको एडक्टर केनाल अच्छे से पता है तो आपको पोपलीटल फोसा के कंटेंट्स भी पता हो जाएंगे. ठीक है, मतलब उनका अरेंजमेंट कैसे होता है. तो इसीलिए इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए. ओके, व्हाट इज पोपलीटल फोसा? पोपलीटल फोसा जो है ये एक डायमंड शेप का डिप्रेशन है. इट इज ए डायमंड शेप्ड डिप्रेशन. डायमंड शेप्ड डिप्रेशन जो और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे बैक ऑफ द नी जॉइंट, मतलब बिहाइंड द नी जॉइंट होता है. इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द नी जॉइंट. क्लियर? व्हाट इज पोपलीटल फोसा? पोपलीटल फोसा एक डायमंड शेप डिप्रेशन है जो कि नी जॉइंट के बिहाइंड में प्रेजेंट है. नाउ ये पोपलीटल फोसा जो है, अगर आपको याद हो, हमारे अपर लिम में एक और फोसा होता है, क्यूबाइटल फोसा. ये दोनों थोड़ा सिमिलर होता है. ठीक है, ओके. सो पोपलीटल फोसा, इट इज अ डायमंड शेप डिप्रेशन एंड इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द नी जॉइंट. पहले देखते हैं बाउंड्रीज. देखिए, जैसे कि पोपलीटल फोसा एक क्यूबाइटल फोसा की तरह बोल रहे हैं हम लोग, पोपलीटल फोसा भी एक डायमंड शेप डिप्रेशन है जिसका फ्लोर होगा, जिसके बाउंड्रीज होंगे और जिसके रूफ होंगे. है ना, ये घर की तरह समझिए. पहले बाउंड्रीज देख लेते हैं, फिर फ्लोर देखेंगे, उसके बाद उसका रूफ देखेंगे. ओके, ऑलराइट. सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसके बाउंड्रीज. व्हाट आर इट्स बाउंड्रीज? सो बाउंड्रीज में पोपलीटल फोसा जो है, इफ इट इज अ डायमंड शेप डिप्रेशन, राइट, मैं अगर यहाँ एक डायग्राम बनाऊँ, अगर ये एक डायमंड शेप डिप्रेशन है बिहाइंड द नी जॉइंट, तो इस पोपलीटल फोसा को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, इसको हम लोग सुपीरियर बोल देते हैं, इसको हम लोग इन्फीरियर बोल देंगे. क्लियर? तो ये जो बाउंड्री होगा, ये हो जाएगा हमारा सुपेरो लैटरल. है ना, अगर ये लेटरल साइड का है तो दिस विल बी सुपेरो लैटरल. ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सुपीरो मीडियल. है ना, उसी की तरह इन्फेरो लैटरल एंड इन्फेरो मीडियल, ये चार बाउंड्रीज होते हैं. ओके, आइए देखते हैं हम लोग कि सुपेरो लैटरल जो है वो कौन बनाएगा. सो पहला बाउंड्री है द सुपेरो लैटरल बाउंड्री. सुपेरो लैटरली इट इज फॉर्म्ड बाय कौन सा मसल है? द बाइसेप्स फीमोरिस. ठीक है, बाइसेप्स फीमोरिस. नाउ मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं. ये देखिए, ये जो मसल दिख रहा है ये लेटरल साइड में है. ओके, दिस इज द लेटरल साइड एंड दिस इज द मीडियल साइड. द लेटरल साइड एंड द मीडियल साइड. ओके, सो लेटरल साइड में ये देखिए, ये पोपलीटल फोसा है. दिस इज अ डायमंड शेप डिप्रेशन, राइट. इसको हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये हो गया हमारा सुपीरियर पार्ट, ये हो गया इन्फीरियर पार्ट. सुपीरियर, इन्फीरियर, तो ये हो जाएगा हमारा सुपेरो लैटरल बाउंड्री, राइट. सो सुपेरो लैटरल द बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय बाइसेप्स फीमोरिस. ठीक है, सुपेरो लैटरल इज फॉर्म्ड बाय बाइसेप्स फीमोरिस. नेक्स्ट आ जाता है सुपेरो मीडियल. देखिए, सुपेरो मीडियल ना, ये सुपेरो मीडियल में दो मसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. पीछे वाला जो मसल है ये आपका सेमी मेम्ब्रानोसस मसल है, और इसके ऊपर जो आपको ये दिख रहा है आधा टेंडन जैसा है, दिस इज नॉन एज सेमी टेंडिनोसस, राइट. सो सुपेरो मीडियली इट इज बाउंडेड बाय, सुपेरो मीडियली कौन कौन से मसल बाउंड कर रहे? वी हैव द सेमी मेम्ब्रानोसस, एन सेमी टेंडिनोसस. ये दो मसल आपको आपके सुपेरो मीडियल बाउंड्रीज बनाएंगे. ऑलराइट, ना आप देखिए, सुपेरो लैटरल भी हो गया और सुपेरो मीडियल भी हो गया. अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ. अब हो जाएगा हमारा इन्फेरो लैटरल और इन्फेरो मीडियल. सो पहले देख लेते हैं हम लोग इन्फेरो लैटरल बाउंड्री कौन बनाएगा. ओके, सो इन्फेरो लैटरली इट इज बाउंडेड बाय द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोपनिमस. ठीक है, गैस्ट्रोपनिमस एक
मसल है जो आपके बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द लेग में पाया जाता है, गैस्ट्रोक्नीमस, एंड प्लांटरिस इसको थोड़ा सा सप्लीमेंट करेगा. ओके, इसको याद रखिएगा. सो मेनली इट इज फॉर्म बाय द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमस. ये देखिए, दिस इज द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमस, और इसके ऊपर आपको जो ये छोटा मसल दिखाई दे रहा है, दिस इज द प्लांटरिस मसल. तो ये प्लांटरिस भी इन्फ्रोलेटरली थोड़ा एसेस करेगा. सो दिस इज द इन्फ्रोलेटरल बाउंड्री. ओके, और इन्फ्रोमिडली कौन होगा? ये वाला मसल. तो ये कौन है? द मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमस. राइट, सो द इन्फ्रो मीडियली इट इज बाउंडेड बाय द मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमस, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमस मसल. राइट, पूरा ही लिख देते गैस्ट्रोक्नीमस मसल. तो ये हो गए बाउंड्रीज. राइट, superolaterally the biceps femoris, superior medially we have the semitendinosus and the semimembranosus. है ना, superior medially ये दो muscles bound कर रहे हैं. inferolaterally lateral head of gastrocnemius है, और इस lateral head of gastrocnemius के साथ साथ ये plantaris muscle थोड़ा सा साथ दे रहे, assist कर रहे हैं. and inferior medially we have the medial head of gastrocnemius. right, आई होप आपकी ये बाउंड्रीज क्लियर हो गए हो. दिस इज द बाउंड्रीज. सो इन द बाउंड्रीज हम लोगों ने देखा है सुपरोलैटरली, सुपरोमीडियली, इन्फ्रोलैटरली एंड इन्फ्रोमीडियली. ओके, आइए अब बाउंड्रीज जब फॉर्म हो गया है इसका रूफ देख लेते हैं. ठीक है, रूफ कौन कौन स्ट्रक्चर्स इसका फॉर्म करेगा? रूफ, जैसे कि हमें पता ही है रूफ में सबसे ऊपर स्किन ही होगा. राइट, सो सबसे पहले वी हैव द स्किन, तो वो ऑब्वियस है. राइट, अब नेक्स्ट चले जाते हैं सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया, नाउ ये जो सुपरफिशियल फेशिया होता है, राइट, याद रखिए रूफ ऑफ द पब्लिटल फोसा जो है वो डीप फेशिया से फॉर्म होते हैं. राइट, रूफ जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द डीप फेशिया और द पब्लिटल फोसा. ओके, और द पब्लिटल फेशिया. ना इसके जो सुपरफिशियल फेशिया है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं? आपको पता ही है सुपरफिशियल फेशिया में बहुत सारे क्यूटेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो इस सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? इसमें प्रेजेंट है हमारा स्मॉल सेफेनियस वेन. राइट, स्मॉल सेफेनियस वेन, स्मॉल सेफेनियस वेन, स्मॉल सेफेनियस वेन के साथ साथ और क्या होगा? इसके क्यूटेनियस नर्व्स होंगे. क्यूटेनियस मतलब जो स्किन के साथ होते हैं. राइट, सो क्यूटेनियस नर्व्स हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स हैं. राइट, सुपरफिशियल फेशिया में वी हैव द स्मॉल सेफेनियस वेन एंड द क्यूटेनियस नर्व. दूसरा क्या होगा? इसमें तीन क्यूटेनियस नर्व्स होते हैं. जो क्यूटेनियस नर्व्स के नाम क्या क्या होते हैं? द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, ठीक है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये पहला नर्व है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. फिर इसमें आता है हमारा मिडिल क्यूटेनियस नर्व भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मिडिल क्यूटेनियस नर्व का पोस्टीरियर डिवीजन. सो द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. एंड लास्टली वी हैव द सुरल नर्व. ये सुरल कम्युनिकेटिंग नर्व है, सुरल कम्युनिकेटिंग नर्व. ये सुरल नर्व जो है ये टिबियल नर्व का ब्रांच है. तो ये तीन जो क्यूटेनियस नर्व है, पोस्टीरियर, याद रखिए पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, दूसरा है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, एंड लास्टली वी हैव द सुरल कम्युनिकेटिंग नर्व. ठीक है, ये आपके रूफ में प्रेजेंट होगा. ओके, नेक्स्ट द फ्लोर. फ्लोर जो है, आपने फीमर बोन अगर पढ़ा है तो फीमर बोन का जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है उसमें आपको जो फीमर का एकदम लोअर वाला एंड है जहाँ पे कंडाइल्स के ऊपर होता है पोस्टीरियर में, उसको आप लोग पॉपलीटियल सरफेस बोलते हैं. राइट, सो फ्लोर जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पॉपलीटियल सरफेस ऑफ द फीमर, पॉपलीटियल सरफेस ऑफ फीमर. नाउ इफ आई ड्रॉ ए फीमर, ऐसे ही मैं आपका एक फीमर का डायग्राम अगर बनाऊँ और फीमर का पोस्टीरियर वाला डायग्राम बनाऊँ, just imagine this is the femur, right?
ये फीमर का लीनिया एस्परा, तो पोस्टीरियर बॉर्डर, तो आपको पता चल जाएगा ये पीछे बनाया है। तो ये जो लीनिया एस्परा का ये जो डाइवर्जन हुआ है, इसकी वजह से इस पोस्टीरियर, इस लोअर एंड में जो ये ट्राइंगुलर स्पेस दिख रहा है आपको, ये जो लोअर स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग पॉपलीटियल सर्फेस ऑफ द फीमर बोलते हैं। तो यही पॉपलीटियल सर्फेस ऑफ द फीमर फ्लोर बनाता है, द पॉपलीटियल सर्फेस ऑफ द फीमर। दूसरा है द कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, जो नी जॉइंट का कैप्सूल होगा ये भी इसमें हेल्प करेगा फ्लोर बनाने में, ठीक है। कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट एंड द ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट, ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट, ये दो स्ट्रक्चर, ओके। एंड लास्टली एक स्ट्रॉन्ग पॉपलीटियल फेशिया, स्ट्रॉन्ग पॉपलीटियल फेशिया, राइट, या फिर इसको डीप फेशिया भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। द डीप फेशिया, डीप फेशिया फ्लोर भी बना रहा है, क्लियर। सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स विच विल फॉर्म द फ्लोर, द पॉपलीटियल सर्फेस ऑफ द फीमर, कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट एंड ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगामेंट एंड द स्ट्रॉन्ग पॉपलीटियल फेशिया, ओके। और राइट, नाउ आ जाते, देखिए अब देखिए, एक घर जैसा हम लोग अगर इमेजिन कर रहे हैं पॉपलीटियल फोसा को, तो घर का पहले बाउंड्रीज खड़े हो गए, राइट, बाउंड्रीज आपने खड़ा कर दिया है। नाउ इसमें हम लोगों ने रूफ भी देख लिया है और हम लोगों ने फ्लोर भी दे दिया है, मतलब एक फुल फोसा बन चुका है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद है, व्हाट आर द कंटेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द पॉपलीटियल फोसा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द कंटेंट्स, सिमिलर बात है, मैंने आपको एडक्टर ट्राइंगल, एडक्टर किनाल में एक्सप्लेन किया था, जो स्ट्रक्चर्स एडक्टर किनाल में ऊपर और नीचे थे, यही स्ट्रक्चर्स एडक्टर हियाटस के अंदर चले गए थे और वो पॉपलीटियल सरफेस में अपीयर हो जाएंगे, राइट। तो एडक्टर किनाल का अगर आप डायग्राम याद है आपको, सबसे ऊपर आपको एक नर्व दिखाई दे रहा था, द सेफेनियस नर्व, सेफेनियस नर्व के नीचे आपको आर्टरी दिखाई दे रही थी और आर्टरी के नीचे आपको वेन दिखाई देगा, राइट, ऐसे ही था स्ट्रक्चर। तो जब ये एडक्टर हियाटस को पियर्स करके पीछे की तरफ आएगा, और अब हम लोग पॉपलीटियल फोसा को, क्योंकि हम लोग पीछे से देखते हैं, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता है वो है पॉपलीटियल वेन, राइट, पॉपलीटियल वेन हमने सबसे ऊपर दिखाई देता है, सबसे नज़दीक दिखाई देगा, नर्व की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आर्टरी और वेन की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर आपको वेन दिखाई देता है, ओके। ऑलराइट, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स इसमें प्रेजेंट है। सो सबसे पहला ऑब्वियसली बात है द पॉपलीटियल आर्टरी, राइट, पॉपलीटियल आर्टरी और उसके ब्रांचेस मौजूद होंगे यहाँ पे, पहला जो स्ट्रक्चर है द पॉपलीटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, दूसरा जो है वो है पॉपलीटियल वेन, राइट, पॉपलीटियल वेन एंड इट्स, वेन्स के क्या होते हैं, ब्रांचेस तो नहीं हो सकते, वेन्स के होते हैं ट्रिब्यूटरीज, द पॉपलीटियल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तीसरा, यहाँ पे आपको ये भी पता है कि शियाटिक नर्व जो है बाइफर्केट करते हैं और शियाटिक नर्व के दो ब्रांचेस हो जाते हैं, तो पहला ब्रांच जो है वो है टिबियल नर्व और इसके ब्रांचेस भी होंगे एंड इट्स ब्रांचेस, और शियाटिक नर्व का दूसरा ब्रांच कौन होता है, द कॉमन पेरोनल नर्व, राइट, द कॉमन पेरोनल नर्व, ये कॉमन पेरोनल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, एंड इट्स ब्रांचेस ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, पॉपलीटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, पॉपलीटियल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, टिबियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, कॉमन पेरोनल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। नाउ जो और स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे आपको वो है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ये भी आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद जो हमारा ऑब्टुरेटर नर्व है उसका एक ब्रांच दिखाई देता है जिसको हम लोग जेनिकुलर ब्रांच बोलते हैं, सो जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व, ये ऑब्टुरेटर नर्व जो है ये मिडिल कंपार्टमेंट का नर्व है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको ये जेनिकुलर ब्रांच पता चल जाएगा। एंड लास्टली यहाँ पे लिम्फ नोड्स और फैट्स होते हैं, सो इनको बोलते हैं हम लोग पॉपलीटियल लिम्फ नोड्स, पॉपलीटियल लिम्फ नोड्स एंड फैट्स, राइट। सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो ये चार स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, पॉपलीटियल आर्टरी, पॉपलीटियल वेन, टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनल नर्व। यही चीज मैं आपको एक बार डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए द सुपरोलेटरल बाउंड्री, मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ, द सुपरोलेटरल, दिस इज द सुपरोमीडियल, दिस इज द इन्फेरोलेटरल एंड इन्फेरोमीडियल, ये बाउंड्री हो गए,
ओके नाउ यहाँ पे आप कंटेंट्स देखिए, सबसे ऊपर जो है आपको नर्व दिखाई देगा, ओके सबसे ऊपर जो है नर्व दिखाई देगा, आर्टरी और वेन में जो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा वो है वेन, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो ये स्ट्रक्चर्स हम लोग पीछे से देख रहे हैं, ठीक है, एक इंसान खड़े हुए हैं और आप इसके पीछे, इसके नी के पीछे से देख रहे हो, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, क्योंकि अगर आगे से देखेंगे तो आर्टरी, आप पता है आपको कि एडक्टर कैनाल में आर्टरी सबसे ऊपर है, आर्टरी और वेन इन दोनों में से आर्टरी ऊपर है, तो आर्टरी आगे होने की वजह से जब पीछे से देखेंगे हम लोग तो आर्टरी सबसे अंदर दिखाई देगा आपको, राइट, दिस इज़ वेरी लॉजिक, एक लॉजिकल क्वेश्चन आंसर दिए है, आप एडक्टर कैनाल इसको अच्छे से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो ये देखिए, ये शियाटिक नर्व जो है बाइफर्केट हो गया हो और पहला ब्रांच बना दिया टिबियल नर्व, ये टिबियल नर्व है और ये कॉमन पेरोनल नर्व है, तो ये टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनल नर्व आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फिर ये पोपलिटियल वेन है और उसके अंदर आपको ये पोपलिटियल आर्टरी दिखाई दे रहा है, पोपलिटियल आर्टरी के साथ साथ आपको बहुत सारे लिम्फ नोड्स भी दिखाई दे रहे हैं, द पोपलिटियल लिम्फ नोड्स, और यहाँ पे फैट्स बहुत होते हैं, ये पूरे एरिया में फैट्स मौजूद होगा, तो फैट्स भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। नाउ ये जो डायग्राम अगर आप देखो रहे, तो इस डायग्राम को हम लोग तीन अरेंजमेंट कर सकते हैं, सबसे पहला ये ऊपर, राइट, ये अपर पार्ट में देखिए इनका अरेंजमेंट अलग है, ये मिडल में देखिए इनका अरेंजमेंट अलग है, और लोअर में इनका अरेंजमेंट अलग है, क्लियर। अपर पार्ट में वी हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट, आप देख सकते हो, मिडल में भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है और लोअर में भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है, मैं इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पोपलिटल फोसा में सबसे ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे टिबियल नर्व ही लेंगे, क्योंकि कॉमन पेरोनल नर्व जो है फिबुला के अराउंड में जाके फिर बाइफर्केट कर जाते हैं, ओके, तो यहाँ पे जो ज़्यादा आपको नर्व दिखाई देता है वो है टिबियल नर्व, तो अपर पार्ट में जब हम लोग ये अपर पार्ट में देखेंगे तो देखिए इस अपर पार्ट में सबसे लेटर, ये देखिए हमने यहाँ डिनोट कर रखा है, दिस इज द लेटरल पार्ट एंड दिस इज द मीडियल पार्ट, सो ऑन द अपर पार्ट फ्रॉम लेटरल टू मीडियल जाएंगे तो सबसे लेटरल में हमारे पास वेन है, आई मीन आर्टरी है, उसके बाद हमारे पास वेन है एंड देन वी हैव द नर्व। नाउ याद रखिए, ये हम लोग ऊपर से नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे की बात नहीं चल रही है, वो बस अरेंजमेंट की बात चल रही है, ऊपर से नीचे तो आपको पता ही है कि सबसे ऊपर वेन ही है, ये सबसे ऊपर नर्व है, नर्व के नीचे वेन है और वेन के नीचे आर्टरी है, लेकिन जब हम लोग इसको लेटरल से मीडियल के अरेंजमेंट में देखेंगे तो सबसे अंदर और सबसे लेटरल जो है हमारा ये आर्टरी है, ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो अपर पार्ट में फ्रॉम लेटरल टू मीडियल अगर देखेंगे तो आप देख सकते हो सबसे लेटरल में वी हैव द पोपलिटियल आर्टरी, देन वी हैव द पोपलिटियल वेन एंड देन वी हैव द पोपलिटियल द टीबियल नर्व। यही चीज़ जब हम लोग मिडल में देखेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो गया, और अब हम यहाँ से सुपरफिशियल टू डीप देखेंगे, मतलब सबसे ऊपर से लेके सबसे नीचे देखेंगे, तो सबसे सुपरफिशियल में क्या दिख रहा है आपको, वी हैव द नर्व, राइट, द टीबियल नर्व, आप देख सकते हैं द टीबियल नर्व, उसके बाद हमारे पास वेन है, द पोपलिटियल वेन, एंड लास्टली सबसे अंदर वी हैव द पोपलिटियल आर्टरी, ओके, आई होप दिस इज क्लियर, बहुत ईजी है ये। एंड लास्टली अगेन हम लोग देखेंगे जब ये ट्विस्ट होके फिर से वापस अपनी पोजीशन में आएंगे, अब यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, अब सबसे लिटरल में क्या हो जाएगा, हमारे पास नर्व है, द टिबियल नर्व, देन वी हैव द वेन, द पोपलिटियल वेन, एंड लास्टली वी हैव द आर्टरी, मतलब अब सबसे ये मीडियल में हो गया, ये सबसे लिटरल में हो गया, है ना, तो आप देखिए मिडल से लेके ये लिटरल में किस तरह से ट्विस्ट करके आए हैं, राइट, ये देखिए ये मिडल में प्रेजेंट है सबसे ऊपर में, अब ये सबसे लोअर में जब जाएगा ये लोअर में लेटरल हो जाएगा, और सेंटर में अगर आपको याद, इस सेंटर पार्ट में याद करने के लिए एडक्टर कैनाल तो आपके पास ऑलरेडी, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपने एडक्टर कैनाल अच्छे से पढ़ लिया है, तो एडक्टर कैनाल में आपको पता ही है सबसे अंदर वेन होता है, इसका मतलब है पोपलिटियल फोसा जब पीछे की तरफ, देखिए बहुत सिंपल है ये स्ट्रक्चर, अगर देखिए एडक्टर कैनाल में मान लीजिए जिस एग्जांपल, दिस इज द वेन, राइट, रेड पेन में जो है वेन है, और माफ़ कीजिए मेरे पास ब्लू पेन है नहीं है फिलहाल, तो दिस इज द ब्लैक पेन, मैं इसको वेन डिनोट करता हूँ, तो आपने देखा था कि एडक्टर कैनाल में सबसे ऊपर आपने ये आर्टरी देखा था और उसके बाद ये वेन देखा था, नाउ यही ये चीज़ को आपने सामने से देखा है, नाउ इसी चीज़ को जब आप पीछे से देखोगे, आप यहाँ से देखोगे तो स्ट्रक्चर क्या दिखेगा आपको, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, राइट, अब ये तो आपको डीप में दिखाई देगा, तो यही चीज़ आपको पोपलिटियल फोसा में डिनोट करना है, आइडेंटिफाई करना है, ओके, आई होप ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया हो, इफ नॉट एक और बार आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, इस वीडियो को वापस से प्ले करके एक बार दोबारा देखिए, आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो जाएगा, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोपलिटियल फोसा। आइए इसका थोड़ा सा क्लिनिकल देखते हैं, जैसे कि क्यूबाइटल फोसा जो है हम लोग
अपर लिम में ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लोअर लिम में भी ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग। और कौन सी आर्टरी का इस्तेमाल करेंगे? पॉपलीटल आर्टरी। तो पॉपलीटल आर्टरी जो है इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग बीपी फ्रॉम द लोअर लिम, ठीक है। पहला क्लिनिकल पॉपलीटल आर्टरी जो है हम लोग इसको बीपी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं लोअर लिम में। अपर लिम में तो हमें पता ही है कौन सी आर्टरी से यूज करते हैं, इट्स द ब्रेकल आर्टरी, राइट। क्यूबाइटल फोसा जो है उसमें ब्रेकल आर्टरी को हम लोग पैल्पेट करते हैं और उसी से हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, लेकिन लोअर लिम में हम लोग पॉपलीटल आर्टरी के थ्रू इसको मेजर करेंगे। दूसरा एक जो नर्व होता है द कॉमन पेरोनल नर्व, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, देखिए ये जो कॉमन पेरोनल नर्व आपको दिखाई दे रहा है ये लेटरल साइड है, राइट। नाउ अगर हम बोन्स की बात करें तो आपको पता ही है पॉपलीटल फोसा जो है ऊपर पार्ट में यहाँ पे फीमर मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है हमारे मिडल में टीबिया और यहाँ पे फिबुला, राइट। यही तो होगा, ये फीमर है, ये टीबिया है और ये फिबुला है। इस फिबुला के नेक के अराउंड में, ठीक है, फिबुला के नेक के अराउंड में हमारा ये कॉमन पेरोनल नर्व पहुंचता है और यहाँ पे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं और हमारा कॉमन पेरोनल नर्व जो है हमारे फ्रंट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट या फ्रंट ऑफ द फुट को सप्लाई करते हैं, राइट, और लेटरल साइड को भी सप्लाई करते हैं। तो अगर कभी यहाँ पे चोट पहुँचा और इस कॉमन पेरोनल नर्व में प्रॉब्लम हुआ तो जो चीज़ आपको दिखाई देता है या क्लिनिकल कंडीशन आपको दिखाई देगा वो है फुट ड्रॉप, ठीक है, यहाँ पे फुट ड्रॉप होता है। तो फुट ड्रॉप किसकी वजह से होता है, हमेशा याद रखिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉमन पेरोनल नर्व। अपर लिम में रिस्ट ड्रॉप किसकी वजह से होता है, रिस्ट ड्रॉप होता है, जो रिस्ट ड्रॉप हो जाता है वो रेडियल नर्व की वजह से। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा रेडियल नर्व जो है वो हमारे इस एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगा, तो कभी भी अगर फ्लेक्शन करने के बाद एक्सटेंशन करने का होगा तो रेडियल नर्व ही इसको मदद करेगा। नाउ अगर रेडियल नर्व ही खराब हो गया तो इसको एक्सटेंशन कौन करेगा, एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। तो यही सिमिलर कॉन्सेप्ट आप लोअर लिम में भी अप्लाई कीजिए। अगर कॉमन पेरोनल नर्व डैमेज हो जाएगा तो फिर डॉर्सम के जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई नहीं मिलेगा और वो डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे और हमारा जो फुट है वो फुट ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, जिसको हम लोग फुट ड्रॉप बोलते हैं। इसको हम लोग कॉमन पेरोनल नर्व जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फुट ड्रॉप के लिए। आई होप दिस लेक्चर हैज़ मेड इट वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। पॉपलीटल फोसा इज़ वेरी इजी, एक बार इसको अच्छे से देखिए। इफ नॉट एज यूजुअल यू कैन पुट इन योर कमेंट, पुट योर डाउट्स इन माई कमेंट बॉक्स एंड आई विल लुक इन टू इट। थैंक यू सो मच।